पूरा मामला है, किस तरीके से पुलिस ने पूरी वारदात का खुलासा किया है? जोधपुर क्षेत्र में जो चोरियों की वारदातें हो रही थी उसको लेकर एक प्रॉपर्टी ऑफेंस सेल गठित किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी के सुपरविजन में एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड में उन्हें डाला गया था। इसमें हमने सोशल मीडिया जो है उसकी मॉनिटरिंग चालू की, जिसको लेकर कुछ एक सुखा 0033 नाम के कुछ गैंग और पेज नज़र आ रहे थे, जिनकी जो गतिविधि सोशल मीडिया पे थी वो संदिग्ध थी। वहाँ से हमने उनको फॉलो करना चालू किया। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे जो संदिग्ध गतिविधि के लोग होते हैं उनको हम उन पर हम सर्वेलेंस रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसी क्रम में इस पर्टिकुलर गैंग की जो एक्टिविटी है संदिग्ध नज़र आ रही थी, इन पर हमने नज़र रखना चालू किया और इनका पीछा किया। पीछा करने के दौरान रिजवान नाम का जो व्यक्ति है इसमें, उसका जब हम पीछा कर रहे थे तो हमें सूरसागर में एक स्थान पर मिला। राजकॉप में जैसा कि आपको पता है कि एक नया फीचर आया है जिसमें हम लोग फोटो मैच कराते हैं अपराधियों की, तो इस संदिग्ध व्यक्ति की जब हमने फोटो मैच कराई तो इसके खिलाफ 13 मुकदमे फोटो मैच के माध्यम से आए। और जब हमने इससे पूछताछ की और पुराना रिकॉर्ड इसका खंगाला तो इसके काफ़ी मुकदमे पूर्व के चोरी नकबजनी के थे, और टेक्निकल डेटाबेस से और हमने जो 150 से अधिक CCTV फुटेज इसमें खंगाले थे उसमें मैच किया, तो इसमें भी उसका मूवमेंट सामने आया। जिसके आधार पर जब इससे कड़ी पूछताछ की गई तो लगभग 100 से अधिक चोरियों का कन्फेशन अभी तक इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो की है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जिन्होंने जो इन्होंने बताया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है हमारे टेक्निकल डेटाबेस से। और इसमें एक गैंग सामने आई है जिसमें अभी तक जो हमारे सामने आई बात है वो 5 लोग हैं इसमें। इसमें एक श्रवण है जाजीवाल बनाड़ का, और इमरान है, एक कैलाश है नागौरी गेट का, और एक नदीम भी है नागौरी गेट क्षेत्र का। इस तरह से अभी तक 5 लोगों की इसमें संलिप्तता आई है, जो लोग मोटरसाइकिल और इको गाड़ी की मदद से घरों में चोरियाँ करते थे, और ट्रांसफार्मर चोरियाँ करना भी सामने आया है। और इसमें इको गाड़ी का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो उसका इस्तेमाल ये लोग चोरी का सामान ले जाने में कर रहे थे। इसमें अभी 16 से अधिक जिलों में इनका मूवमेंट रहा है, जो हमारे टेक्निकल डेटाबेस और CCTV फुटेज से सामने आया है। जो राजस्थान के 16 से अधिक जिलों में इनके द्वारा वारदात सामने आया है, इसमें करवर थाना क्षेत्र जो कमिश्नरेट का है, बनाड़ है, हमारे खिड़ापा थाना है जोधपुर ग्रामीण का, और धोद है सीकर में, वहाँ ट्रांसफार्मर चोरी की बातें अभी सामने आई हैं और इनसे गहन पूछताछ चल रहा है। जो मुकदमे पूर्व में दर्ज हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं उसमें इनका जो रोल है उसका हम लोग टेक्निकल लिंकेज अभी कर रहे हैं, और इसको लेकर आगे से आगे इसमें अनुसंधान चलता रहे। भारी मात्रा में इनके पास से चोरी करने का जो औजार होता है, कटर विभिन्न तरीके के, जिससे ताले तोड़ते हैं, गेट तोड़ते हैं, दीवार को क्रॉस करते हैं, इस तरह के औजार इनके कब्जे से बरामद हुआ है। और तो एक ये बड़ा गैंग जो है जिसमें सामने आया है, जिसमें रिजवान और श्रवण जो है सरगना है, तो इसको लेकर पुलिस की ये कार्रवाई हुई है और इसमें इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन आ गया। सर, कितने अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, रिजवान और श्रवण को, और इनसे भी बरामदगी की प्रक्रिया अभी जारी है। और क्या राज्य के अलावा भी कोई बाहर भी इन्होंने कोई वारदात की है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनका मूवमेंट अगर चूरू सीकर की तरफ रहा है तो हो सकता है कि बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा भी गए हो, तो वो अभी हम लोगों का एनालिसिस इनके मूवमेंट पैटर्न से चल रहा है। ये नाम कैसे रखा सर? ये अभी पूछताछ करेंगे हम लोग की 0033 किस आधार पे सुखा, किस आधार पे रखा, सोशल मीडिया जो पेज बनाया है। सर, ये इनके जो आरोपी पकड़े गए इनकी प्रोफाइल क्या है, मुख्य सरगना है, क्या करता था शुरू, कितने समय से? ये हिस्ट्री शीट है सूरसागर थाने का, और इस पे कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के भी हैं, नकबजनी चोरी के भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीण पुलिस किस मामले में इनको अरेस्ट कर रही है, कौन से? अभी खिड़ापा थाने का एक मुकदमा दर्ज है सेव की कला में, उस मुकदमे में अभी हम लोग इसको अरेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे पूछताछ में वेरिफिकेशन होते जाएगा, जो उन्होंने बताया है, हमारे जो एविडेंस एक्ट के तहत प्रक्रिया होती है इत्तला की,
उसके तहत जो ये बता रहे हैं वो चीजें जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स आएगा उसके आधार पे अन्य मामलों में भी इनकी गिरफ्तारी होती जाएगी। अभी तो देखिए एक करवड़ और एक बनाड़ का मतलब FIR सहित क्लियर हो गया है कि इस पर्टिकुलर FIR में ये इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इनका जो मूवमेंट पैटर्न है, CCTV पैटर्न है और उस दिन की घटनाएं हैं और इनके पास से जो चीजें बरामद हो रही है, इन सारी चीजों से अब इनका लिंकेज होगा सारे जहां जहां घटनाएं हुई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, साक्ष्य हम लोग एकत्रित करते हैं ताकि कोर्ट में अच्छी सजा हो, तो वो प्रक्रिया आगे चल रही है, तो उसके बाद आपको अपडेट करेंगे आगे। चोरी क्यों करते थे, क्या कोई इनका किस तरह से ये साथ में हुए और नंबर ऑफ चोरी कुछ ज्यादा है। अभी तो क्यों कर रहे थे, देखा जाए तो इनका जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे उसमें ऐसा लग रहा है कि अय्याश प्रवृत्ति के लोग हैं, और भी अन्य जगह जो चोरियां खुलती हैं उसमें भी यही हमारे सामने आया कि इस तरह के लोग जो है नशा या दारू अन्य तरह के पार्टीज करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और इस तरह के अपराध करते हैं। आपस में इनका संपर्क किस तरह से हुआ, क्या वो अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बट अभी जो प्राइम अप ऐसी बात कुछ आई है कि ये लोग कहीं शराब या नशा करने के चक्कर में एक दूसरे से मिले हो। सर वारदात के बाद आरोपी कहीं घूमने जाते हैं, क्या क्या प्लान रहता था, एक वारदात करने के बाद कहीं छिप जाते थे, क्या रहता था? अभी उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग कि ये लोग पूरा इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनका क्या सोशल ग्रुप बना रखा है। ऐसे तो सोशल मीडिया से तो दिख ही रहा है कि मतलब याशी भरी जिंदगी जीने के आदि। कितने समय से एक्टिव थे ये लगभग? लगभग पिछले